हेलो एवरीवन आप सभी का स्वागत है भाई मैग्नेट ब्रेन के अमेजिंग यूट्यूब चैनल पर जहां पर हम सभी लोग आपको प्रोवाइड कर रहे हैं के ट्वेल्व दैट इज किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्थ तक की पूरी पूरी एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे वीडियोस प्रोवाइड कराए जाते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल पर हमारी टीम के द्वारा सारे वीडियोज होते हैं हाई क्वालिटी कंटेंट रिच जिसमें आपको हर एक कॉन्सेप्ट डिटेल में समझाया जाता है उसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहता है बाकी है ना और अगर आपको कोई डाउट रहता भी है तो डाउट क्लासेस लाइव क्लासेस चलती हैं उसमें आप अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं हिंदी मीडियम के बच्चे आप भी सुन लो बेटा क्योंकि इंग्लिश मीडियम के ट्वेल्व किंडर गार्डन से क्लास ट्वेल्व वालों के लिए तो बढ़िया पढ़ाई चल रही है आपको हिंदी मीडियम वाले बच्चों को भी बताना चाहता हूं बेटा आपके लिए भी बहुत बढ़िया पढ़ाई चल रही है यार आपको मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाना है अगर आप क्लास सिक्स से लेकर क्लास ट्वेल्व तक की कि किसी भी क्लास में पढ़ाई कर रहे हो यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान बोर्ड और दिल्ली बोर्ड इन पांच स्टेट बोर्ड से आप रिलेटेड हो जुड़े हुए हो तो आपको बता देना चाहता हूं आपको मात्र एक छोटा सा काम करना है एंड दैट इज मैग्नेट ब्रेन हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाओ उसको सब्सक्राइब करो और वहां पर अपने वीडियो देखना शुरू कर दो अपना सिलेबस कंप्लीट करना शुरू कर दो फ्री ऑफ कॉस्ट वाले हंड्रेड हाई प्रोफाइल हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियो के साथ सारे वीडियोज आपको वहां पर भी प्लेलिस्ट के फॉर्मेट में हम लोगों ने लगा कर दिए हैं टेंशन नहीं लेना आराम से पढ़ाई कर सकते हो विदाउट एनी टेंशन है ना और रही बात इंग्लिश मीडियम के बच्चों की जो बेचारे रोते रहते हैं सर नोट्स दे दो सर नोट्स दे दो तो लो भैया नोट्स ले लो यार नोट्स लेने के लिए नोट्स डाउनलोड करने के लिए जो ई बुक्स और ई नोट्स के फॉर्मेट में होते हैं उसके लिए आपको जाना है हमारी वेबसाइट पर वेबसाइट है www.magnetbrains.com और ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना सब्जेक्ट और क्लास अपनी सेलेक्ट करना डाउनलोड करना बढ़िया पढ़ाई करना चलो आज क्या पढ़ने वाले हैं सेशन में इस सेशन में मेरे प्यारे बच्चे क्लास इलेवन के बच्चे सेट चैप्टर पढ़ने वाले बच्चे हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से 20 से इलेवेंटी क्वेश्चन है ना क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर नंबर से 20 तक टू ट्वेंटी हमने अभी जो प्रीवियस वाला पार्ट किया आई थिंक आधे घंटे का पार्ट था वो तो दैट इज ऑलमोस्ट फिनिश्ड और वो कंप्लीट हो ही गया है तो उसमें हमने क्या सीखा था उसमें हमने छोटी छोटी चीजें सीखी थी सेट की इनफाइनाइट क्या होता है फाइनाइट क्या, क्या होता है सिंगलटन क्या होता है एम क्या होता है है ना बिलोंग वाले सिंबल्स देखे थे अब यहां पर हम सबसेट देखेंगे यहां इंटरसेक्शन देखेंगे यूनियन देखेंगे कई टाइप के क्वेश्चन आएंगे चलिए शुरू करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करना है सर क्योंकि टाइम बहुत प्रेशियस है जल्दी से शुरू करते हैं ये रहा हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन इस सेशन का पहला क्वेश्चन ठीक है डन सर आर सेट एंड दिस सेट बी इक्वल क्या हमारे ये दोनों सेट इक्वल हैं सर क्या हमारे ये दोनों सेट इक्वल हैं सर अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना ठीक है ध्यान से सुनना बहुत गौर से सुनो यहां पर एक सेट अपन को ए दिया गया है ठीक है सर और इसके अंदर है माइनस टू कॉमा टू ठीक है क्लियर है बिल्कुल क्लियर है सर बी सेट दिया गया गौर से सुनना बेटा बी सेट दिया गया है इन्होंने यह कहा कि बी के अंदर एक्स सच दैट एक्स एक्स है बी के अंदर एक्स है ठीक है सर और एक्स के बारे में इन्होंने बताया कि एक्स बिलोंग कर रहा है जेड पे

अगर माइनस फोर उधर गया तो डिवाइड करेगा यहां इतने पार्ट को सॉल्व कर लो माइनस फोर एक्स इज इक्वल टू जीरो अब -4 आ जाएगा तो 0 को डिवाइड करेगा -4 uh, 0 -4 0 ही रहेगा तो x की वैल्यू क्या आ गई 0 क्या x की वैल्यू 0 आ सकती है बिल्कुल आ सकती है सर क्यों आ सकती है x की वैल्यू 0 इसलिए आ सकती है सर क्योंकि x यहां पर जो हमको दिया गया है वो एक इंटीजर दिया गया है और इंटीजर की वैल्यू 0 बिल्कुल आ सकती है बिल्कुल 101% आ सकती है ठीक है अब सही लग रहा है ठीक है तो जीरो आ सकती है बेटा एक्स हमारा इंटीजर है मैंने क्या बोला एक्स बिलोंग कर रहा है इंटीजर को मतलब एक्स एक इंटीजर हो सकता है यहां एक्स की वैल्यू जीरो आई तो क्या जीरो इंटीजर होता है हाँ सर जीरो इंटीजर होता है तो यहां पर जो सेट बी आया उसके अंदर हम सिर्फ सेट के अंदर अपने जीरो लिख सकते हैं सेट ए के अंदर दो चीजें हैं सेट बी के अंदर एक चीज है क्या ये दोनों इक्वल हो सकते हैं बिल्कुल नहीं हो सकते इक्वल सेट्स बेसिकली होते क्या है गौर से सुनो इक्वल सेट्स होते क्या है बेटा ध्यान से सुनोगे समझ में आ जाएगा ठीक है इक्वल सेट्स होते क्या है डन सर तो इक्वल सेट्स आर बेसिकली दो सेट जैसे अपन ने एक सेट p लिया और एक सेट q लिया ठीक है डन सर अब यहां मैंने लिख दिया बेटा a b c ठीक <coughs> है यहां मैंने लिख दिया बेटा 1 2 3 ओके सबसे पहले अगर हमें इसको चेक करना है ये इक्वल है कि नहीं तो हमें सबसे पहले कार्डिनल नंबर निकालने पड़ते हैं सर जी ये कार्डिनल नंबर क्या होता है कार्डिनल नंबर का मतलब है बेटा सेट पी में कितने एलिमेंट्स है एक दो तीन सर सेट पी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट तो ये कार्डिनल नंबर हो गया सेट पी का कार्डिनल नंबर ऑफ सेट क्यू क्या होगा सर मतलब क्यू सेट में कितने एलिमेंट्स है एक दो तीन सर तीन एलिमेंट्स है अगर इन दोनों सेट के कार्डिनल नंबर सेम आ गए तो ये एक वैलेंट होंगे इ वैलेंट सेट होंगे मैं फिर बोल रहा हूं ये इक्ट वैलेंट सेट है इक्वल नहीं हुए अभी अभी इक्वल नहीं हुए अगर सिर्फ और सिर्फ दो सेट के कार्डिनल नंबर इक्वल पी इज इक्वल टू एन क्यू तो बिल्कुल समझ जाइए बेटा कि हम इन दोनों सेट को वैलेंट कह सकते हैं इक्वल हम कब कह सकते हैं जब हम देखें कि इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं और इसके अंदर जो एलिमेंट्स मौजूद हैं वो बिल्कुल सेम टू सेम है सारे एलिमेंट्स इसके और इसके मैच कर जाए क्या मैच कर रहे हैं ए यहां है ही नहीं बी यहां है ही नहीं सी यहां है ही नहीं एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं ना तो ये सिर्फ इक्यू वेलेंट सेट कहलाएंगे पी एंड क्यू आपस में इक्यू वेलेंट है इक्वल नहीं है इक्वल तब होते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हो जाए एज वेल एज एलिमेंट्स भी मैच कर जाए

ये अपना एक इंटरवल दिया है ना इंटरवल ऑफ रियल नंबर इंटरवल ठीक है हमें करनी है सर तो ईजली कर लेंगे सर नॉट अ बिग डील कैसे करेंगे देखो बेटा समझना बात को एक बात हमेशा ध्यान रखना कि जब भी आपको इंटरवल दिया हो तो इन दो सिंबल्स का आपको मतलब पता होना चाहिए कौन से दो सिंबल्स सर इनका एक ये वाले ब्रैकेट का और एक ये वाले ब्रैकेट का बच्चा इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं इस ब्रैकेट को बोलते हैं लूज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट क्या बोलते हैं लूज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट इसमें हम कह देते हैं ये ओपन ब्रैकेट है ठीक है दिस इज ओपन ब्रैकेट लूज ब्रैकेट या ओपन ब्रैकेट और इस वाले ब्रैकेट को कह देते हैं इस वाले ब्रैकेट को कहते हैं क्लोज ब्रैकेट या फिर सॉलिड ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट या फिर सॉलिड ब्रैकेट बात समझ में आई यस सर तो ये क्लोज ब्रैकेट हो गया या फिर अपन सिंपली सॉलिड ब्रैकेट कह सकते हैं ठीक है थीके? इसका मतलब क्या होता इसका मतलब होता है बेटा एक्सक्लूड <coughs> सॉरी मतलब होता है एक्सक्लूड एक्सक्लूड का मतलब है ये जिसके भी पास लग जाए उसको छोड़ दो ये माइनस फाइव के पास लग गया माइनस फाइव को हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा माइनस फाइव को हमें छोड़ना पड़ेगा हमारे नंबर्स हमें जो इसमें से लेने हैं वो माइनस फाइव नहीं होगा हमें छोड़ना पड़ेगा और सर जो नाइन जैसे नाइन के पास ये लग गया क्लोज ब्रैकेट तो इसको इंक्लूड करना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा सर इसको इंक्लूड ठीक है बच्चा ये इंक्लूड हो जाएगा इतनी बात डन है बिल्कुल डन है सर ये एक्सक्लूड करना पड़ा और ये इंक्लूड करना पड़ा डन है बिल्कुल डन है सर आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट देखते हैं ना सर बिल्कुल देखो नेक्स्ट सर ध्यान से सुनो सर क्या मतलब होता है इसका मतलब पता क्या होगा इसका मीनिंग क्या होगा देखो इसका मीनिंग क्या है ध्यान से सुनना इसका मीनिंग है ऑल रियल नंबर क्या मीनिंग है बेटा इसका इसका मीनिंग है ऑल रियल नंबर सारे रियल नंबर ठीक है कौन कौन से सारे रियल नंबर मतलब सब नहीं नहीं सुनो तो ऑल रियल नंबर्स ऑल रियल नंबर्स बिटवीन माइनस फाइव एंड नाइन क्या सर बिटवीन माइनस फाइव एंड नाइन जी सर बिटवीन माइनस फाइव एंड नाइन ठीक है अब सुनो, और के बीच में जितने भी रियल नंबर आ रहे हैं उन सबकी बात हो रही है ठीक है सर माइनस फाइव लेना है क्या नहीं यार माइनस फाइव को एक्सक्लूड करना है नाइन को लेना है हां नाइन को तो लेना है तो अपन कहेंगे ऑल रियल नंबर्स बिटवीन माइनस फाइव एंड नाइन माइनस फाइव और नाइन के बीच में जितने भी रियल नंबर्स है वो तो लेने ही है माइनस फाइव नहीं लेने नाइन भी लेने तो अपन आगे क्या लिखेंगे इंक्लूडिंग नाइन ऑल्सो इंक्लूडिंग नाइन इंक्लूडिंग नाइन के भैया नाइन भी चलेगा माइनस फाइव से फाइव के बीच वाले रियल नंबर तो चलेंगे पर साथ ही साथ नाइन भी चलेगा अब रियल नंबर की लाइन बनाई अपन ने देखते जाना डन सर रियल नंबर की अपन ने बढ़िया वाली एक नंबर लाइन बनाई ठीक है डन सर अपन ने यहां लिखा माइनस का इनफाइनाइट यहां लिखा इनफाइनाइट ठीक है सर अब यहां पर अपन ने लिखा जो कि इस तरफ आएगा और यहां नाइन आएगा ठीक है सुनते जाना मेरी बात जी सर अब फाइव हमें इंक्लूड नहीं करना है फाइव को एक्सक्लूड करना है छोड़ना है और जब भी किसी नंबर को छोड़ना होता है और उसको नंबर लाइन पे दिखाना हो तो अपन होलो सर्किल बनाते हैं क्या होलो सर्किल बनाते हैं ठीक है नाइन को हमें इंक्लूड करना है तो यहां डार्क सर्किल बनेगा डार्क सर्किल बनेगा हॉलो सर्किल फाइव पे बना माइनस फाइव पे मतलब फाइव नहीं लिया नाइन के ऊपर डार्क सर्किल बना मतलब नाइन को ले लिया अब इनके बीच वाले नंबर भी चाहिए तो भाई लाइन बना दो लीजिए लाइन बना दी ये है बेटा इंडिकेशन क्या किस चीज का इंडिकेशन है इसको बोलते हैं माइनस फाइव से नाइन माइनस फाइव पे हॉलो है तो इसको नहीं लेना है नाइन पे डार्क है तो इसको लेना है लो भैया कंप्लीट हो गया अब इसको वो बोल रहा है सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखो सेट बिल्डर फॉर्मेट में लिखो तो सर सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे सिंपल है सर कैसे लिखेंगे अरे ब्रैकेट ब्रैकेट लिख दिया हमें ब्रैकेट ठीक है सेट बिल्डर फॉर्म लिखेंगे? सिंपल है सर, सर। बहुत simple है। है कर दो, ठीक है सर. तो हमने 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 में में, लिखा, में, लिखा लिखा ध्यान से सुनना और का मतलब ये numbers. ये नंबर्स क्या है रियल नंबर्स है ये सारे रियल नंबर्स हैं। तो हमने लिख दिया एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर आर x जो है वो रियल नंबर है ठीक है अब एक्स कौन कौन सा हो सकता है सर माइनस फाइव से फाइव के बीच में हो सकता है माइनस तो फाइव से बड़ा है x जो है वो माइनस फाइव से बड़ा है सर है ना वी विल राइट एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव एक्स इज ग्रेटर देन माइनस फाइव पर x 9 से छोटा और 9 के बराबर भी है तो x इज 9 और x 9 के बराबर भी है तो इक्वल भी लगा दो लो भैया काम खत्म हो गया खत्म खत्म हो गया काम दैट सेट देख रहे हो इसका मीनिंग क्या हुआ सर इसका मतलब क्या हुआ पढ़ना आना चाहिए सारे बच्चों को सारे बच्चों को ये पढ़ना आना चाहिए एक्स जो है माइनस फाइव से बड़ा है माइनस फाइव नहीं है सर माइनस फाइव से बड़ा क्योंकि माइनस फाइव से अगर इस डायरेक्शन में जाएंगे तो नंबर बढ़ते हैं इंक्रीज होते हैं है ना और नाइन भी 9 से छोटा तो एक्स इज स्मॉलर देन नाइन और नाइन भी हो सकता है तो भैया इक्वल ये भी लगा लो तो ऐसे लगाइए बात समझ में आ गई बात समझ में आ गई यस सर बात समझ में आ गई ये अपना ऊपर लिखा हुआ बेटा आंसर है जल्दी से देख लो पढ़ लो आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व पे ठीक है सर डन है बिल्कुल डन है आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर तो हो गया यार थर्टीन पे चलना पड़ेगा ठीक है सर थर्टीन पे चलते हैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं जी सर दिस इज क्वेश्चन नंबर थर्टीन अब ये अपन को सेट बिल्डर फॉर्म में दिया इसको इंटरवल में लिखो इसको इंटरवल में लिखो इजी है यार सुनो x such that ये दे दिया अब इन्होंने x नेचुरल है होल नंबर है इंटीजर है कुछ नहीं दिया कुछ भी नहीं दिया सुनते जाना कुछ भी नहीं दिया इसका मतलब जब इन्होंने x के बारे में कोई बताया नहीं है कि ये नेचुरल है होल नंबर है इंटीजर है रैशनल है इेशनल कुछ नहीं दिया जब कुछ दिया ही नहीं है तो हम उसको रियल नंबर मानेंगे हम समझ गए कि सर बात यहां x इज सच x इज बिलोंगिंग टू अर रियल नंबर x यहां रियल नंबर ही दिया गया है ठीक है बाकी कंडीशन अपन ने पढ़ लेनी है बाकी कंडीशन है माइनस थ्री ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स स्मॉलर देन सेवन ठीक है बाकी ये कंडीशन है सर ठीक है डन है क्लियर है कोई दिक्कत नहीं है ठीक है डन आगे चलते हैं सर सुनते हैं ना एक्स जो है वो माइनस थ्री के देखो ती, तीन तीन चीजें तीन तीन है क्या नंबर वन सर एक्स जो है वो माइनस थ्री से बड़ा है एक्स जो है वो माइनस थ्री के इक्वल भी है माइनस थ्री के बराबर भी हो सकता है और एक्स सेवन से छोटा है तीसरी चीज है बेटा एक्स इज स्मॉलर देन सेवन ठीक है नंबर लाइन बनाते हैं बिकॉज़ नंबर लाइन से समझना आसान हो जाता है ठीक है ये नंबर लाइन बना दिया अपन ने ठीक है सर डन ठीक है डन सर अब रेड कलर से यहां लिखो बेटा माइनस का इनफाइनाइट यहां लिख लो इनफाइनाइट ठीक है दो नंबर है माइनस थ्री और सेवन ठीक है सर माइनस थ्री लेफ्ट में आएगा क्योंकि नेगेटिव है और सेवन बड़ा है तो यहां आ जाएगा ठीक है सर

ठीक है हमने इस पर होलो सर्किल लगा दिया अब सर x जो है वो माइनस थ्री के इक्वल और माइनस थ्री से बड़ा है थ्री से बड़ा मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा सेवन से छोटा है सेवन, मतलब पीछे आएगा सेवन के सेवन से छोटा मतलब सेवन के पीछे आएगा भाई जोड़ दो इन दोनों को लो खत्म ये आंसर हो गया अब जो डार्क सर्किल होता है वो इंक्लूजन वाला होता है इंक्लूड के भैया माइनस थ्री इंक्लूडेड है और अगर माइनस थ्री इंक्लूडेड है तो हमें कौन सा ब्रैकेट लगाना है अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सीखा था माइनस थ्री इंक्लूड करना है सेवन इंक्लूड नहीं करना है इसका मतलब है डार्क सर्कल का मतलब है इंक्लूड और इंक्लूड बेटा इस वाले ब्रैकेट से दिखाते हैं सेवन हमें इंक्लूड नहीं करना है सेवन एक्सक्लूड है क्योंकि हॉलो सर्कल है एक्सक्लूड इससे दिखाते हैं बेटा ये आंसर हो गया ये आंसर हो गया ये हमारा इंटरवल हो गया इस वाले इंटर इस वाले अपन कह सकते हैं सेट बिल्डर फॉर्मेट को अपन ने इंटरवल में लिख दिया ठीक है इंटरवल में लिख दिया अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर पे चलो क्वेश्चन नंबर फोर्टीन देखते हैं इसको मैं इरेज कर रहा हूं दिस इज क्वेश्चन नंबर फोर्टीन ठीक है सर सुनते हैं ना एक सेट हमको दिया है ए और उसके अंदर तीन एलिमेंट्स हैं ठीक है सर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं वन है थ्री है फाइव है कॉमा लगा के उन्होंने कहा हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज इज द मीनिंग ऑफ इसका मतलब तो समझा दो सर पहले ये क्या होता है बेटा इसको पढ़ते हैं पावर सेट ऑफ ए क्या पढ़ते हैं बेटा पावर सेट ऑफ इसको पढ़ा जाता है पावर सेट ऑफ ए एक सेट ए है उसका ये पावर सेट है अब पावर सेट क्या होता है चलो समझ लेते हैं सर ध्यान से सुनो पावर सेट क्या होता है सुनते जाना बेटा दिमाग से सुनना कानों से तो सब सुनते हैं पावर सेट होता क्या है गौर से सुनो अब ये पावर सेट मैंने इसको अंडरलाइन करा और समझाता हूं पावर सेट होता क्या है अ सेट ऑफ अ सेट ऑफ ऑल सबसेट्स खत्म ये है इसकी मीनिंग सर हमें समझ में नहीं आई करके दिखाओ बताता हूं देखो आपको कोई एक सेट दिया गया और वो सेट है ए ठीक <laughs> है सर अब आपसे कहा गया इसका एक पावर सेट बनाओ तो पावर सेट जैसे ही समझ में आए जैसे दिमाग में आ जाए कि पावर सेट बनाना है कान में आवाज गई पावर सेट बनाना है, है सेट सेट मौजूद हो है ना जैसे मान के चलो मैंने आपको कहा कि बेटा एक मैंने सेट देखो देखो मैंने एक सेट ये बनाया मैंने सेट ये, ये बनाया मैंने देखते जाना ये एक सेट है जिसके अंदर सिर्फ वन है क्या ये

डन है क्या बिल्कुल है सर अच्छा एक और सेट बनाता हूं ठीक है सर इसके सारे एलिमेंट्स इसमें है, तो ये भी यह भीट हो गया तो जब भी सुपर सेट का नाम सुनो सबसे पहला काम करना है कि आपको सबसेट बनाने हैं आपको उसके सारे सबसेट बनाना है एक दो नहीं सारे सबसेट बनाना है तो एक बना लिया दो बना लिया तीन बना लिया चलो और सबसेट बनाते हैं तो मैं अगर एक सेट लिखूं और लिख दू वन कॉमा थ्री

सर ये एक सेट ऐसा है जो सबसेट है ये भी सबसेट है बेटा इसमें देखो इसमें वन कॉमा फाइव है क्या इसके अंदर भी वन कॉमा फाइव है हाँ सर वन और फाइव है इसके सारे एलिमेंट्स इसमें मौजूद हैं तो ये इसका सबसेट हो गया ठीक है सर डन यस सर अब एम सेट ध्यान रखना बेटा एक एम सेट हमेशा सबसेट होता है हर एक सेट का एंड एम सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट ध्यान रखना ये एक पॉइंट हो गया एम सेट तो बनानी पड़ेगा अपन को एम सेट हर सेट का सबसेट होता दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है एक सेट जो है ना वो अपना खुद का सबसेट होता है मतलब ये सेट अगर मैं चाहूं तो यहां सबसेट बना के लिख सकता हूं वन कॉमा फाइव कॉमा थ्री वन कॉमा थ्री कॉमा फाइव ठीक है तो ये होगा सबसेट इसके अलावा अब अपन सबसेट नहीं बना सकते ध्यान रखना एम सेट हर सेट का सबसेट होता है लिखना पड़ेगा और एक सेट खुद का भी सबसेट होता है तो ये खुद का भी सबसेट है तो ये मैंने इधर लिख दिया ठीक है समझ में आ गई जैसे ही सारे सबसेट बन गए यही सबसेट है इसके इसके अलावा अब आप इसके सबसेट और नहीं बना सकते अपन क्या करेंगे कुछ नहीं सर इसको एक बड़े सेट में पैक कर दो इन सब को एक बड़े सेट में पैक कर दो ये बन गया बेटा अपना पावर सेट क्या बन गया बेटा पावर सेट ऑफ ए लीजिए सर ये पावर सेट ऑफ ए बन गया समझ में आ गई पावर सेट क्या होता है पावर सेट ऑफ ए होता है सेट ऑफ ऑल सबसेट। सारे सबसेट लिख दो इसके और सेट में पैक कर दो तो सर इसमें कितने एलिमेंट्स हैं अब ये एलिमेंट्स बन जाएंगे बेटा एक एलिमेंट दो एलिमेंट तीन एलिमेंट चार एलिमेंट पांच एलिमेंट छह एलिमेंट सात एलिमेंट और ये आठ टोटल आठ एलिमेंट है तो आंसर क्या आया सर एट टोटल एट एलिमेंट है तो इसका आंसर क्या आएगा टोटल एट एलिमेंट्स अब ये सारे बनाने की जरूरत नहीं है आप डायरेक्ट भी कर सकते हो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो कैसे मैं बताता हूं सुनते जाओ अगर आपको पावर सेट के एलिमेंट्स बताना है कि भैया पावर सेट के कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको नंबर ऑफ सबसेट बताने हैं अगर आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट पावर सेट ऑफ ए तो आपको कुछ नहीं करना है आपको सिंपली सेट ए के सबसेट के नंबर बताना है आपको नंबर ऑफ सबसेट्स बताने हैं काहे के नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए और नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेट ए निकालने का एक बढ़िया फॉर्मूला होता है टू की पावर एन खत्म टू की पावर एन मतलब ए में कितने एलिमेंट है तीन एलिमेंट है तो एन की जगह बस तीन रख दो टू की पावर थ्री टू की पावर थ्री क्या होता है बेटा एट तो इसमें इस सेट ए में एट सबसेट होंगे और एट सबसेट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट भी एट होगा तो ये आंसर इतने से भी आ सकता है अगर आप इतना लिख दोगे तब भी आपका आंसर परफेक्ट वैलिड और बिल्कुल बिल्कुल ए टू माना जाएगा कि हां बिल्कुल सही है ठीक है सर डन मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 है ना पंद्रहवें क्वेश्चन पे चलते हैं इसको इरेज कर रहा हूं मैं ये है बेटा क्वेश्चन राइट ऑल द पॉसिबल सबसेट्स ऑफ दिस ठीक है सर अपन को एक सेट दिया गया है ए और इसके पॉसिबल सबसेट्स के भैया इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं सब लिखो ठीक है सर इसके बेटा चार सबसेट बनेंगे कैसे मैंने अभी बताया आपको अब भी हाल बताया यहां पे साइड में लिख के बताया कि एक सेट अपन को ए दिया और नंबर ऑफ सबसेट पूछो अगर मैं कहूं भैया बताओ नंबर ऑफ सबसेट क्या है ए के नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए तो आप क्या करोगे सिंपल है सर टू की पावर एन लग दो टू की पावर एन ये है सर है ना N का मतलब है A में कितने एलिमेंट्स हैं cardinal तो कि तो N. N मतलब है दो एलिमेंट्स है? है तो सर टू की पावर एन की जगह टू तो आंसर क्या जाएगा चार सर टोटल कितने सबसेट होंगे इसके चार अब बनाना शुरू करते हैं सर ठीक है जल्दी से बनाते हैं सर ठीक है तो ए सेट का सबसेट बनाने के लिए सबसे पहले करा करो इनके सेपरेट एलिमेंट्स के सेट मतलब फाइव है तो एक तो फाइव बना दो सर ठीक है एक सेट तो ये हो गया जो इसका सबसेट है फिर सिक्स है तो एक सिक्स बना दो सर ठीक है फाइव अब अब, अब दो ये हो गए चार है टोटल दो और दो और कौन से होते दो और वही हो याद करो एम सेट हर सेट का सबसेट होता तो सर एक सबसेट तो एम सेट हो जाएगा और सर हर सेट खुद का सबसेट होता मतलब ये खुद का सबसेट है तो सर फाइव कॉमा सिक्स भी पूरा पूरा यहां लिखा जाएगा ये आंसर है बेटा ये अपने आंसर से। ये अपने आंसर है ठीक है ये तो एक्स्ट्रा है ये है मेन आंसर के सर फाइव कॉमा सिक्स के जो सबसेट बनेंगे वो चार बनेंगे सेट फाइव सेट सिक्स एम्प्टी सेट और सेट फाइव कॉमा सिक्स आगे चलते हैं मूविंग ऑन टू नेक्स्ट अब इन्होंने हमें a कॉमा बी दो सेट दिए हैं अलग अलग टाइप के सेट्स से, हैं बेटा ध्यान देना जरा इसको तो अपन ने साइड में कर दिया यहां एक सेट है बेटा अपने पास टू थ्री फोर फाइव ठीक है सर टू थ्री फोर फाइव ये ए सेट है ठीक है और सेट बी है बेटा थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स सेवन ठीक है डन है सर बिल्कुल डन है अब इनसे अपन को a माइनस बी करना है सर क्या करना है दोस्त a माइनस बी चलो a माइनस बी करते हैं कैसे करते ए माइनस बी बड़ा आसान है सर बड़ा आसान है कैसे सर सिंपल है थ्री और फाइव को छोड़ दो टू और फोर आंसर आएगा बेटा टू और फोर मैं बताता हूं कैसे सुनो <coughs> a माइनस बी करना हो ना तो इन दोनों में जो a है और जो b है जो माइनस करना उनमें कॉमन वाले सारे काट दो कॉमन वाले जैसे सर थ्री और थ्री कॉमन है कट गया फाइव और फाइव कॉमन है कट गया जो कॉमन कॉमन है काट दो अब ए माइनस बी कर रहे थे ना ए माइनस बी तो जिससे माइनस कर रहे हो ना उसके बाकी के एलिमेंट्स लिख लो टू और फोर है तो ये आंसर आ गया। अगर बी माइनस ए कर रहे होते अगर बी माइनस ए तो अब बी में जो बकाया एलिमेंट्स है वो लिख देते सिक्स कॉमा सेवन आंसर आ जाता समझ गए ए माइनस बी बी माइनस ये बहुत छोटी चीजें होती कि पहले तो कॉमन वाले उड़ा दो और फिर जिससे माइनस कर रहे हैं उसके रिमेनिंग एलिमेंट लिख दो जैसे ए माइनस बी कर रहे थे तो तो अच्छा यहां ए माइनस बी ऑलरेडी अपन कर चुके वही वाला क्वेश्चन है ये प्रीवियस क्वेश्चन है. है ना ए माइनस बी अपना क्या आएगा सर ए माइनस बी क्या आएगा बेटा जल्दी बताओ ए माइनस बी आएगा पहले तो कॉमन कॉमन काट दो सर थ्री से थ्री गया फाइव से फाइव गया सर ए माइनस बी आया टू कॉमा फोर क्या आया टू कॉमा फोर क्या आया टू कॉमा फोर है ना अब ए यूनियन बी निकालना है बेटा अपन को ठीक है भाई ए माइनस बी अपन ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर ए माइनस बी क्या आएगा टू कॉमा फोर टू कॉमा फोर ठीक है सर डन य yes, ए माइनस b हो गया ऑल्सो फाइंड ए यूनियन बी सर यूनियन b क्या होगा यूनियन का मतलब होता है बेटा इसको यूनियन पढ़ते हैं यूनियन का मतलब होता है ध्यान दीजिएगा यूनियन हेयर मीन ए एंड बी दोनों के पूरे पूरे मेंबर्स एक सेट में लिख दो ए और बी दोनों के सारे सारे मेंबर्स एक ही सेट में लिख दो ठीक है सर ए के मेंबर है टू थ्री फोर फाइव ठीक है सर तो यहां लिखा मैंने टू थ्री फोर एंड फाइव बी के भी मैंबर लिख दो बी क्या थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स डन सर बिल्कुल डन पैक कर दो बस रिपीटेड वालों को काट दो जैसे थ्री थ्री दो बार आ गया तो एक बार भैया काट दो इनको कट होना पड़ेगा फाइव और फाइव दो बार आ गया एक बार कट कर दो अब जो बचा दैट इज अवर फाइनल आंसर कोई भी रिपीट नहीं होना चाहिए टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन और ब्रैकेट क्लोज दिस इज अर आंसर ये अपना हो गया यूनियन बी डन सर डन जल्दी से देख लो सिक्सटीन कंप्लीट है बढ़ते हैं बेटा अपन सेवनटींथ क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं क्या खास लिए हुए हैं सो दैट अपन उसको भी जल्दी से निपटा सके है ना डन yeah. सर <coughs> तो देखते हैं भाई सेवनटीन क्वेश्चन में क्या है जल्दी से हो जाएगा कोई बड़ी चीज नहीं है सर निपटा देंगे जल्दी से सेवनटीन क्वेश्चन क्या है इसको हटाओ जल्दी से सेवनटीन एटीन नाइनटीन ट्वेंटी अरे हो जाएगा सर सिक्सटीन कंप्लीट हो गया सेवनटीन ठीक है सर इस ए बारूनियन भी, भी, भी था ध्यान से देखो अभी ए ए यूनियन भी था था माइनस अब इस बारी ए इंटरसेक्शन भी है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटरसेक्शन मेरे प्यारे बच्चे ये अपना इंटरसेक्शन कहलाता है क्या कहलाता है इंटरसेक्शन ठीक है इंटरसेक्शन का मतलब होता है मेरे प्यारे बच्चे जो कॉमन हो वो लिख दो बस जो कॉमन हो वो लिख दो जैसे ए है अपना सेट ए है टू थ्री फोर फाइव ठीक है टू थ्री फोर एंड फाइव सर ये लिख दिया ने ठीक है ठीक है और सेट बी जो है वो है थ्री फाइव सिक्स सेवन थ्री फाइव सिक्स और सेवन डन सर अब बात हो रही है ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन को ऐसा उल्टा यू बनाया जाता है ऐसा है ना तो बस कॉमन कॉमन देख लो इन में और इनमें कॉमन क्या है सर तो थ्री और थ्री कॉमन है ठीक है फाइव और फाइव कॉमन है बस खत्म तो कॉमन लिख लो सर थ्री और फाइव तो आंसर आ गया ए इंटरसेक्शन बी इज थ्री कॉमा फाइव इतनी बात डन है सर बिल्कुल डन है also find complement of a and b by taking a universal set of natural numbers less than यूनिवर्सल हमें complement की जब बात होती है नया नया concept आ गया ठीक है complement ध्यान से सुनो <coughs> complement निकालने के लिए हमें एक universal set की आवश्यकता पड़ती है हमेशा याद रखना complement of a set ठीक है एक सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना है ठीक है तो इसके लिए अपन को एक यूनिवर्सल सेट यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है इस पूरे क्वेश्चन में इससे बड़ा सेट कोई नहीं होगा यूनिवर्सल सेट का मतलब यह होता है कि इससे बड़ा सेट कोई नहीं होगा और इस क्वेश्चन में बाकी जितने भी सेट हैं वो सारे सेट उस यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं यूनिवर्सल सेट का मतलब है एक ऐसा सेट एक बड़ा सेट बेसिकली एक बड़ा सेट एक ऐसा सेट जिसके अंदर बाकी सारे सेट के एलिमेंट्स मौजूद हों एक ऐसा सेट सेट जो दूसरों सेट के लिए दूसरे सेट के लिए सारे दूसरों सेट के लिए सुपर सेट का, का काम करे सुपर सेट मतलब भाई एक मतलब जैसे देखो इन्होंने कहा टेकिंग अ यूनिवर्सल सेट ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन टेन अपन ने एक यूनिवर्सल सेट लिया यू नाम देते हैं बेटा इसको और लेस देन टेन नेचुरल नंबर्स नेचुरल नंबर्स लिखो लेस देन टेन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन नाइन तक लिख सकते हैं नेचुरल नंबर्स तो बेटा यहां लिखेंगे अपन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सर नेचुरल नंबर्स लेस देन टेन अपन ने लिख लिया डन है सर बिल्कुल डन है ठीक है अपन ने लेस देन टेन लिख लिए ठीक है सर अब बात समझना ठीक है इतनी बात करने के बाद अपन क्या करेंगे सर यहां पर बात हो रही है कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट कॉम्प्लीमेंट जब भी निकालना हो ना, जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट निकालना उसको यूनिवर्सल सेट से माइनस कर दो खत्म यूनिवर्सल सेट क्या होता है मैं फिर से थोड़ा सा इस पर डिस्कशन करना चाहता हूं यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है याद रखिएगा यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट होता है यूनिवर्सल सेट अ सुपर सेट अब ये सुपर सेट क्या होता है सर ये भी बता दिया जाएगा तुमको टेंशन ना लो देखो इस क्वेश्चन में बाकी कितने सेट है सर बाकी एक तो ए है और एक बी है सुपर सेट एक ऐसा सेट होता है जिसमें बाकी सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स होते हैं मतलब अगर मैं कहूं सर ए सेट जो है वो यूनिवर्सल सेट का सब सबसेट है बिल्कुल सही है ए इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट बी इज अ सबसेट ऑफ यूनिवर्सल सेट अगर कोई एक ऐसा सेट मिल जाए जिसके आगे सभी लोग सभी सेट सबसेट बन जाए छोटे सेट हो जाए तो वो यूनिवर्सल हो जाता है ए के सारे एलिमेंट्स टू थ्री फोर फाइव देखो इसके अंदर है टू थ्री फोर फाइव बी थ्री फाइव सिक्स सेवन देखो थ्री फाइव सिक्स सेवन ए के सारे एलिमेंट्स यू में है तो ए इज अ सबसेट ऑफ यू बी के सारे एलिमेंट्स यू में है, तो बी इज अ सबसेट ऑफ यू अगर एक ऐसा सेट मिल जाए जिसमें बाकी सारे सेट्स के सारे एलिमेंट्स मौजूद हो मतलब बाकी सारे सेट उस बड़े वाले सेट के सबसेट हो जाए तो उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलेंगे और यूनिवर्सल सेट एक सुपर सेट भी होता है डन सर बिल्कुल डन ठीक है अब बात कर लेते हैं कॉम्प्लीमेंट की सर कॉम्प्लीमेंट क्या होता है देखो कॉम्प्लीमेंट को ऐसे लिखा जाता है जैसे ए कॉम्प्लीमेंट इसको ऐसे लिखा जाता है ए के ऊपर डैश लगता लग जाता है छोटा सा या फिर इसके ऊपर सी भी लगा देते कभी कभी सी है ना ए सी ए सी का मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलता है सर जल्दी से देखते हैं कैसे निकलता है ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है बी कॉम्प्लीमेंट निकालना है कुछ नहीं होता सर सिंपल सी बात है जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है ए ए का कॉम्प्लीमेंट निकालना है यूनिवर्सल यूनिवर्सल से उसको माइनस माइनस कर दो आंसर आ जाएगा जिसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है उसको यूनिवर्सल से माइनस कर दो यूनिवर्सल माइनस बी यूनिवर्सल माइनस बी ये सॉल्व कर दो वी विल गेट अवर आंसर्स हमें हमारे आंसर्स मिल जाएंगे बात समझ रहे हो यस सर अब यूनिवर्सल में से ए माइनस करना है गौर से सुनना यूनिवर्सल के अंदर है अपना वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एट नाइन बस और माइनस ए ए है बेटा टू थ्री फोर फाइव ए है टू थ्री फोर एज वेल एज फाइव और ये बंद कर दिया ठीक है जल्दी से सर हम ए में A को माइनस कर देंगे यू से कॉमन तो कॉमन है वो हटा दो माइनस का मतलब दो टू से, टू कट गया सर। थ्री से थ्री कट गया सर फोर से फोर कट गया सर फाइव से फाइव कट गया सर कुछ और कॉमन है नहीं है अब जिससे माइनस कर रहे हो उसके बाकी बचे हुए एलिमेंट लिख लो <coughs> सर हमने माइनस किया यू से तो यू के एलिमेंट जो बचे हैं वो लिख लो वन लिख लो बेटा है ना सिक्स लिख लो सेवन एट नाइन इन सबको राइट इट डाउन और ये हमारा आंसर बन गया ये है सर हमारा ए कॉम्प्लीमेंट क्या है बेटा ए कॉम्प्लीमेंट ऐसे बी कॉम्प्लीमेंट निकालो अब बी कॉम्प्लीमेंट कैसे निकलेगा सर बी कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल से बी को माइनस कर दो <coughs> समझ रहे हो ना ये सर यूनिवर्सल से अपन बी माइनस कर देंगे बी कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा ठीक है सर डन तो यूनिवर्सल क्या है वही है सर वन से लेकर नाइन तक वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन सेवन एट नाइन ठीक है ब्रैकेट क्लोज माइनस बी क्या है सर बी अपना थ्री फाइव सिक्स सेवन ठीक है थ्री फाइव सिक्स सेवन बी है अपना थ्री फाइव सिक्स सेवन ठीक है थ्री फाइव सिक्स सेवन डन चलो भाई काटा पीटी करते हैं क्योंकि माइनस में कॉमन कॉमन को उड़ाना पड़ता है सर थ्री से थ्री को हटा दो थ्री से थ्री गया फाइव से फाइव घटाओ सिक्स से सिक्स गया एंड सेवन से सेवन गया जो बचा वो लिख दो सर सर वन टू यहां क्या बचा जो यूनिवर्स जो माइनस कर रहा है ना उसके बचे हुए लिखे जाते इसके वन टू फोर एट नाइन वन टू फोर एट नाइन वन टू फोर एट नाइन ये आंसर आ गया सर ये हो गया अपना बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो गया बी कॉम्प्लीमेंट जल्दी से कॉपी कर लो सो so दैट अपन बढ़िया तरीके से कंप्लीट करें आगे यानी आगे क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी तीन क्वेश्चन और है बेटा भी ठीक है डन सर चलिए मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एटीन देखते हैं सर एटीन में क्या छुपा हुआ है इसको इरेज करते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर एटीन बी माइनस ए छोटा सा क्वेश्चन है सर बहुत छोटा सा क्वेश्चन है बी माइनस ए पहले ए और बी में से जो माइनस जो कॉमन कॉमन वाले हैं ना उनको काट दो कॉमन कॉमन वाले ठीक है सर यहां वन है यहां भी वन है हटा दो यहां टू है यहां भी टू है हटा दो और कुछ कॉमन नहीं है ठीक है सर सुनते या ना अब इन्होंने बी ए कहा बी में से ए। यानी बी ए। अगर ये ए बी कह दे तब भी अपन करेंगे कि क्या आएगा ठीक है डन सर अब बी माइनस ए का मतलब है मेन हमारा बी है बस बी के बाकी बाकी जो बचे हुए हैं एलिमेंट्स उनको लिख दो फोर और एट बचा आंसर आ गया सर फोर कॉमा एट है ए माइनस बी अगर करना होता तो ए और बी के जो कॉमन कॉमन है उनको काट के a ए के बचे हुए एलिमेंट थ्री और सिक्स है सामने से हट जाऊं इसमें हटना क्या है इसमें कॉपी क्या करना है तो छोटा सा क्वेश्चन था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइनटीन सर इसको क्लियर करते हैं ये रहा क्वेश्चन नंबर नाइनटीन चलिए सर जल्दी से पढ़ते हैं क्वल टू इतना बी इज इक्वल टू इतना इज बी सुपर सेट ऑफ ए सुपर सेट समझेंगे यहां सुपर सेट क्या होता है ठीक है बी लिख लिया ठीक है पी क्यू आर डन सर ठीक है पी क्यू आर एक बार ध्यान रखना जहां सुपर सेट का नाम आए वहां सबसेट और जहां सबसेट का नाम आए वहां सुपर सेट ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं एक तरह से ध्यान देना जरा ठीक है एक सेट लिखा अपन ने p और q p, q ठीक है अच्छा मेरी बात सुनो ध्यान से सुनना मुझे बताओ क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि a इज अ सबसेट ऑफ b या मैं ऐसा कह सकता हूं b इज अ सबसेट ऑफ a ऐसा कहा जा सकता है क्या इन दोनों में से सही कौन सा है ध्यान से सुनो इन दोनों में से सही कौन सा है व्हिच इज करेक्ट बेटा तो सर जी a इज अ सबसेट ऑफ b इसका मतलब पता क्या होगा a के सारे एलिमेंट्स b में हैं ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, क्या है सही बात है ए के सारे एलिमेंट्स हाँ यार सर सही है ये तो पी क्यू बी के अंदर है तो ये तो सही है स्पिटिक लगा दो ए इज अ सबसेट ऑफ बी इज हंड्रेड एंड टेन परसेंट करेक्ट ये बिल्कुल सही है सर ये बिल्कुल सही है अच्छा बी इज अ सबसेट ऑफ ए का मतलब हो गया बी के सारे एलिमेंट्स ए में है बी के सारे एलिमेंट्स ए में है नहीं सर आर नहीं है आर यहां नहीं है तो ये गलत हो गया सर ये हम नहीं कह सकते ठीक है ये हम नहीं कह सकते हैं तो इसको जाने दो भाड़ में अपन देखते हैं यहां यहां काम करते हैं अपन लेट एस टॉक अबाउट दिस सर अगर ए इसको क्या बोल सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी ध्यान देना बेटा ए इज अ सबसेट ऑफ बी सर ए जो है ना बी का सबसेट लगता है क्या लगता है ए जो है वो बी का सबसेट लगता है ठीक है मैं यहां से ऐसे लिख देता हूं इधर एरो गया और यहां b है तो मैंने क्या बोला ऊपर लिख दिया सर मैंने a सबसेट है किसका b का ऊपर लिख दिया सबसेट ठीक है अगर b को हम पुकारे a का क्या लगता है भाई a अगर b का सबसेट है तो b भी तो a का कुछ लगेगा जी हां यहां आता है बेटा एक अलग कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं सुपरसेट यहां आता है सुपरसेट कि सर b क्या है सर b है a का सुपरसेट क्या है बेटा सुपरसेट समझ गए अगर कोई सेट किसी का सबसेट है फॉर एग्जाम्पल एक ऐसा लिख देता हूं मैं P इज सबसेट ऑफ Q. अगर मैंने कहा P Q का सबसेट है तो अगर मैंने कहा P Q का सबसेट है तो Q क्या है Q P का सुपर सेट है सर Q क्या है बेटा क्यू इज अपर सेट ऑफ पी तो सुपर सेट का मतलब बेटा ये होता है जल्दी से देख लो इसके बाद अपन कर देते हैं इसको क्लियर लास्ट क्वेश्चन बचा बीस ट्वेंटी क्वेश्चन उसको भी कंप्लीट करते हैं अपन डन बिल्कुल डन सर आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्टीन देखते हैं है क्या थर्टीन कह रहा हूं यार सॉरी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी आर सेट ए एंड दिस डिस्जॉइंट अब ये डिस्जॉइंट नाम की बला क्या है सर चलो डिस्जॉइंट समझ लेते हैं या डिस्जॉइंट क्या है ध्यान से सुनना ठीक है डिस्जॉइंट का मतलब होता है दो सेट डिस्जॉइंट तब होते हैं डिस्जॉइंट तब कहलाते हैं जब उनके अंदर कुछ भी कॉमन ना हो इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन होता है ए इंटरसेक्शन बी उसके इंटरसेक्शन में कुछ आए ही नहीं अगर दो सेट का इंटरसेक्शन एम टी सेट हो अगर दो सेट के अंदर कुछ भी कॉमन है ही नहीं तो उनको आपको ठीक है सर सेट बी क्याट बी यह दिया हुआ है चलो देख लेते हैं सेट बी है क्या सेट <coughs> बी जो है उसमें एक्स नेचुरल है उसमें जो भी लिखा जाएगा वो नेचुरल नंबर होगा ठीक है नेचुरल नंबर का मतलब आप समझते ही हो x क्या हो सकता है x हो सकता है वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन ये सब नेचुरल नंबर होते हैं ठीक है सर डन अब देखते हैं एक्चुअली नेचुरल नंबर कौन सा है बेटा यहां जो लिख कर दिया है इन्होंने ये ध्यान से पढ़ो सर ये क्या है कि x इज स्मॉलर देन और x इज ग्रेटर देन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू फाइव एंड x इज स्मॉलर देन और इक्वल टू सेवन क्या मतलब हुआ सर इसका बताता हूं इसका मतलब हुआ जो x है ना वो फाइव या फाइव से बड़ा हो सकता है तो फाइव हो सकता है हाँ फाइव से बड़ा हो सकता है हाँ सेवन एट नाइन टेन हाँ सर ये हो सकता है पर x जो है वो सेवन के से छोटा होगा या सेवन से इक्वल होगा दो बेटा चार कंडीशन हैं यहां मैं आपको क्लियरली बता देना चाहता हूं यहां चार रिलेशन हैं कैसे सर देखो दो रिलेशन तो इन्हीं के बीच में हैं और दो रिलेशन इनके बीच में है।, है ना? तो इतना अगर मैं लिखू फाइव इज स्मॉलर देन और इक्वल टू एक्स फाइव इज स्मॉलर देन और इतना लिखता हूं जो है वो एक्स से स्मॉलर है या उल्टा कह सकते हैं एक्स इज ग्रेटर देन five. और इवन ये भी कह सकते हैं कि फाइव जो है वो एक्स के बराबर है या एक्स फाइव के बराबर है क्लियर है हाँ सर अगर इसकी बात करें अगर इसकी बात करें एक्स इज ग्रेटर मतलब हुआ एक्स पांच से बड़ा है नेचुरल नंबर है तो क्या हो सकता है एक्स सिक्स हो सकता है सेवन हो सकता है एट हो सकता है नाइन हो सकता है डॉट 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 और भी आगे नेचुरल नंबर हो सकते हैं ठीक है डन सर इसकी बात करें तो एक्स क्या हो सकता है एक्स फाइव भी हो सकता है अगर हम इन दोनों को मिला दें तो क्या हो सकता है सर एक्स

और दूसरा है x इज इक्वल टू सेवन एक्स सेवन से इक्वल भी हो सकता है है ना तो इसका मतलब क्या हुआ कि x सेवन से छोटा है तो x क्या हो सकता है नेचुरल नंबर ही है सर नेचुरल नंबर मतलब वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स ये इतना कह रहा है सेवन से छोटा और सेवन भी हो सकता है तो अगर मैंने इनसे सबसे लेकर लिखा तो ये क्या हो सकता है ये हो सकता है सर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और सेवन भी हो सकता है तो सेवन तो ये आया सर क्लियर है यस yes, सर अब इतने पार्ट और इतने पार्ट को इधर दिखा लिया जो कॉमन आ जाए इनके बीच में वो ले लो सर वहां पर भी फाइव सिक्स सेवन है यहां पर भी फाइव सिक्स सेवन है इसका मतलब इनका जो पूरा पार्ट आया वो पूरा का पूरा पार्ट क्या है सर ए सॉरी बी इज इक्वल टू फाइव सिक्स सेवन बी क्या है बेटा बी इज इक्वल टू फाइव सिक्स एंड सेवन डन है बिल्कुल डने सर आगे की बात कर लेते हैं अब disjoint set, A और B आपस में डिस्जॉइंट से क्या सर डिंट से कॉमन नहीं रखे हो डा अकेला नहीं होगा दो सेट तीन सेट डिस्जॉइंट होते हैं कब नो कॉमन एलिमेंट है ना इधर लिख देते हैं वेन टू और मोर सेट टू और मोर दो या दो से अधिक वेन टू आर मोर सेट डू नॉट हैव डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन एनी एलिमेंट इन कॉमन डू नॉट हैव एनी एलिमेंट इन कॉमन अगर दो सेट या दो से अधिक सेट के बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं है तो वह डिसज्वाइंट सेट कहलाएंगे बच्चों ए के अंदर वन टू थ्री फोर है बी के अंदर फाइव सिक्स सेवन है मेरे प्यारे बच्चे सोच समझ के बताओ क्या इनमें और इनमें कुछ कॉमन है नो no कॉमन तो हम क्या बोलेंगे हम कहेंगे ए सेट सेट और बी का इंटरसेक्शन मतलब कॉमन कॉमन ढूंढने गए तो हमें कुछ कॉमन नहीं मिला तो अपन कहेंगे यस ए एंड बी आर डिस ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट सर और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है तो ये disjoint sets कहलाएंगे। लो भैया, हमारा ये ट्वेंटी वाला क्वेश्चन भी हो गया है समाप्त और अब चलते हैं अपन समापन की ओर चलो भाई तो अब अपना ये सेशन बढ़िया तरीके से हो गया कंप्लीट आई होप आपको सारे क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से सारे के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे अब चलते हैं सर एंडिंग स्लाइड की तरफ तो भाई अगर सेशन अच्छा लगा हो सारे क्वेश्चन समझ में आ गए हो तो लाइक जरूर कर देना चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना इसी के साथ इंग्लिश मीडियम के सारे बच्चे के ट्वेल्व के सारे बच्चे अपना पूरा सिलेबस हमारे मैग्नेट ब्रेन्स पर कंप्लीट कर सकते हैं हमारे मैग्नेट ब्रेन यूट्यूब चैनल पर आपके लिए यानी के ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के हर बच्चे के लिए हर सब्जेक्ट का पूरा पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है आपको लाइव क्लासेस अटेंड कराई जाती हैं, आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जाते हैं सो so दैट आप बढ़िया तरीके से अपनी पूरी पढ़ाई फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी एजुकेशन के साथ कंप्लीट कर सको हिंदी मीडियम के बच्चे जो क्लास सिक्स से क्लास ट्वेल्व में हिंदी मीडियम में यूपी बोर्ड एमपी बोर्ड बिहार बोर्ड राजस्थान और दिल्ली बोर्ड इन पांच स्टेट बोर्ड से जो बच्चा पढ़ाई कर रहा है हिंदी मीडियम का है तो वो मैग्नेट ब्रींस के हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल पर जाकर बढ़िया वाली सॉलिड पढ़ाई कर सकता है वहां पर भी क्वालिटी एजुकेशन वीडियो आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाता है ठीक है इसी के साथ जो बच्चा डाउट्स डाउट्स की बात कर रहा हूं यार भी वैसे लेते हैं हम लोग ऐसी बात नहीं है डाउट्स के लिए लाइव क्लासेस चलाई जाती हैं जो इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों ही क्लासेस दोनों ही चैनल पर सारी क्लासेस के बच्चों के लिए चलाई जा रही हैं अब बात कर लेते हैं बेटा नोट्स की तो नोट्स डाउनलोड करने के लिए वेबसाइट पर चले जाना वेबसाइट है डब्ल्यू डब्ल्यू या फिर आप हमारी एप्लीकेशन भी देख सकते हो एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेना गूगल प्ले स्टोर से ग्राहकिन नोट्स पे क्लिक करना क्लास सेलेक्ट करना और बढ़िया तरीके से सब्जेक्ट सेलेक्ट करके डाउनलोड कर लेना पीडीएफ में फिर बता दे रहा हूं नोट्स हमारे पास सिक्स टू ट्वेल्व इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों के लिए है जल्दी मिलेंगे टेक केयर हैप्पी लर्निंग बाय